उनकी सीक्रेट शादी। बदलते समय के साथ नई नई बातें सामने आ रही हैं। वो गुपचुप शादी, जहां एक तरफ विराट और अनुष्का के मुंबई वाले रिसेप्शन की धमाकेदार पार्टी चल रही थी, वहीं पर बॉलीवुड की एक और अदाकार सुरविन चावला ने अनाउंस कर दी अपनी गुपचुप शादी। जी हाँ, मेरी तरह आप भी हैरान रह गए होंगे जब आपको अचानक से पता चला होगा। खूबसूरत, बोल्ड और सेक्सी अदाकार सुरविन चावला ने कर ली है शादी। लेकिन उन्होंने यह शादी आज या कल नहीं बल्कि 2 साल पहले ही कर ली थी। दरअसल जहां पर एक तरफ पूरा बॉलीवुड एंटरटेनमेंट जगत खेल जगत डूबा था विराट कोहली अनुष्का के वेडिंग रिसेप्शन पार्टी की मस्ती में, फिर अचानक से हिट स्टोरी 2 की अदाकार सुरविन चावला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अनाउंस कर दी अपनी शादी पर। एक ऐसी शादी जो 2 साल पहले ही हो चुकी थी और इन 2 सालों में किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। खबर लगी तब जब सुरविन चावला ने खुद बताया। दरअसल सोशल मीडिया पर तस्वीर आने के बाद पता चला कि बॉलीवुड एक्टर सुरविन चावला ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अक्षय ठक्कर के साथ शादी कर ली है। सुरविन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बॉयफ्रेंड के साथ डांस पोस्ट के साथ फोटोज शेयर की है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि सुरविन चावला ने 2 साल पहले ही शादी कर ली थी। जी हाँ, 28 जुलाई 2015 को ही शादी कर ली थी। यह शादी उन्होंने इटली में रचाई थी। अक्षय ठक्कर एक बिजनेसमैन है और बताया जा रहा है इन दोनों का रिलेशन 2013 से है। ये दोनों 2013 में पहली बार मिले थे, तभी से इनका रिलेशन आगे बढ़ा और 2015 में इन्होंने शादी कर ली और 2017 में अनाउंस कर दी अपनी गुपचुप शादी। सुरविन चावला कई हिंदी, पंजाबी, तेलुगु फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। बॉलीवुड में हिट स्टोरी में बोल्ड सीन देने के कारण काफी चर्चा में रहती हैं। हालांकि सुरविन ने अपनी शादी से जुड़ी कोई डिटेल शेयर नहीं की है। तकरीबन ये अनाउंस कर दिया है कि उनकी शादी हो चुकी है। पिछले दिनों शॉर्ट फिल्म छुरी में नजर आई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। इतना ही नहीं, वो एकता कपूर की वेब सीरीज हफ्ते में राजीव खंडेलवाल के साथ नजर आने वाली हैं। और इस तरीके से सुरविन ने भी अपने फैंस को अचानक से चौंका दिया है जब पता चला कि उन्होंने भी शादी कर ली है। और जिस तरीके से एक्टर शादी कर रहे हैं, उससे एक नया ट्रेंड जरूर बनने वाला है। ये थी SM News की रिपोर्ट।